हुडको क्वार्टर के समय विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन रविवार को संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में जोन 3 अध्यक्ष जालंधर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं वार्ड 33 के पार्षद प्रतिनिधि धनराजू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। रविवार को वार्ड 33 हुडको क्वार्टर दुर्गा मंच के समीप हाई मास्क लाइट लगाने भूमि पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जोन 3 के अध्यक्ष संतोष जालंधर सिंह एवं वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि धनराजू उपस्थित हुए। भूमि पूजन होने के उपरांत अतिथियों ने स्थल की पूजा अर्चना कर जेसीबी के माध्यम से खुदाई शुरू करवाई। इस अवसर पर जोन अध्यक्ष संतोष जालंधर सिंह एवं पार्षद प्रतिनिधि धनराजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज भूमि पूजन हुआ संतोषी पारा वार्ड 33 उड़को बस्ती के पास में। हाई मास्क लगाया गया, यहाँ के जनता द्वारा लगातार मांग था कि यहाँ अंधेरा था, रोशनी की जाए, तो यहाँ पे उसका भूमि पूजन किया गया। जनता की मांग पूरी हुई। पार्षद प्रतिनिधि धनराजू, माननीय श्री विद्यारतन भसीन जी विधायक हमारे जो है, उनसे कई महीनों से मांग किया जा रहा था यहाँ पर कि बहुत अंधेरा रहता है, लाइट की व्यवस्था की जाए। तो हमारे विद्यारतन भसीन जी के द्वारा इसको हमें तत्काल प्रभाव से दिया गया है और उनका बहुत बहुत आभार पूरे मोहल्ला सब उसी पर हमारी जनता का है। भूमि पूजन होने की खुशी जाहिर करते हुए वार्ड वासियों ने वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का आभार जताया। बस 37 है और यहाँ का सभी मतलब पार्षद का दिन है जो हमने मांग करके बुलाए हैं कि अंधेरा का दूर किए हैं और सभी मोहल्ला खुश है तथा उनका बस हमेशा ऐसे इजोला मोहल्ले का करता है। आज हमारे संतोषी पारा वार्ड नंबर 33 में माननीय विधायक महोदय वैशाली नगर विद्यारतन भसीन जी के नियुक्त में उनके द्वारा उनकी बहुत बड़ी पहल रही है पूरे वैशाली नगर में। आज उनके नियुक्त में हमें उनके निधि से हाई मार्च लाइट का आज हमने भूमि पूजन किया। बहुत काफ़ी दिनों से यहाँ समिति वाले को मांग थी कि यहाँ पर एक हाई मार्क लाइट लगे, वो आज हमें प्रारंभ होता दिखा है। और उनके भूमि पूजन जोन अध्यक्ष और पार्षद प्रति एन धनराजू के नियुक्त में इसको संपन्न किया गया और आगे भी हमारे विधायक जी का इसी तरह सहयोग रहेगा। उनके लिए हमारे समिति और हमारे वार्ड बहुत आभार व्यक्त करती है। बहरहाल वार्ड के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग इस भूमि पूजन होने के उपरांत पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में वार्ड के लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, इसके निराकरण के लिए भी जनप्रतिनिधियों को पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।